डिब्बे पर हमने आपत्ति नहीं की, हमने कहा वो पैकेट जो दिखा रहे थे उस पे हमारा था कि वो वाला पैकेट दिखा रहे हैं। नहीं आपकी दृष्टि, अगर उनका प्रश्न है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, अगर उसको किसी और पन्नी में ही दे देते, लेकिन वो जो पैकेजिंग पे इतना खर्च हुआ उससे और भी सामग्री पहुँचाई जा सकती है। आपदा है और हर साल प्राकृतिक आपदा से यहाँ के लोगों को, गोरखपुर के लोगों को जूझना पड़ता है। राप्ती रोहिन आमी नदी के प्रभाव के कारण बाढ़ पूरे एरिया को प्रभावित करती है। हम जिस एरिया के तरफ से आ रहे हैं वहाँ हम लोग चपरहट गए थे, चपरहट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वहाँ हमारे साथ तहसीलदार थे, हमारे साथ संजय शुक्ला थे, हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव थे, दिगंबर पांडे थे, सांसद के प्रतिनिधि थे, ये सारे लोग वहाँ निरीक्षण किए हैं। एक गांव में हम लोग गए थे, लेकिन यहाँ जो एरिया है बाढ़ से पानी से प्रभावित है। सबसे बड़ी समस्या कि जो गांव का आदमी पानी से घिरा हुआ है किसी तरह अपना कष्ट सह लेगा, लेकिन जो गांव से निकल करके ग्रामीण मजदूर कस्बे में जाता था और दिन भर कमाने के बाद शाम को रोजी रोटी उसी से उसकी रोटी पकती थी, उसी से उसका घर शाम को चूल्हा जलता था, आज बाढ़ के कारण वो कहीं निकल नहीं रहा है। हमारी सरकार भाजपा की सरकार है, हम दो महीने में दो बार वैसे ही राशन बांट रहे हैं। यहाँ भी तहसीलदार साहब हैं, इनको निर्देश है कि जो भी प्रभावित गांव है किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाए, सबको राशन की किट बांटी जाए, बाढ़ राहत सामग्री बांटा जाए। बाढ़ राहत नहीं, हम पैकेट दे रहे हैं, पैकेट में सारा सामान है। एक बाढ़ किट होती है फॉर्मेलिटी में, एक हम ऐसा पैकेट दे रहे हैं जिसमें 20 दिन 25 दिन हम आराम से भोजन देखिए लेके आ रहे हैं कर सकते। देखिए जिसमें योगी जी और प्रधानमंत्री जी की फोटो है। जी तो ये बताइए, जब हम देंगे, योगी जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो इसमें कोई हमने ऐतराज नहीं, हमने ये बताया जिसमें फोटो है वो आला आप दिखा रहे हैं। नहीं हमने फोटो वाला ही नहीं, मेरा फोटो वाला भी बहुत गया है। हमने ये कहा कि वो आप बता रहे हैं जो आलू 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 का पैकेट फोटो नहीं है, पॉलिथीन पे फोटो नहीं है। अभी अभी हमने आपत्ति नहीं की, हमने कहा वो पैकेट जो दिखा रहे थे उस पे हमारा था कि वो वाला पैकेट दिखा रहे। नहीं आपकी दृष्टि, अगर उनका प्रश्न है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, अगर उसको किसी और पन्नी में ही दे देते, लेकिन वो जो पैकेजिंग पे इतना खर्च हुआ उससे और भी सामग्री पहुँचाई जा सकती है। पैकेजिंग पर खर्च नहीं हुआ है, सवाल पे आते हैं, पैकेजिंग पर नहीं खर्च हुआ है, वो फ्री था क्या, अल्टरनेटिव व्यवस्था थी। सर दूसरे पैकेज बढ़िया नहीं होगा तो कैसे। सर दूसरे सवाल पे आते हैं सर, वो आपत्ति नहीं थी। ये है ना कि चोर के दाढ़ी में चिमका तिनका वाली कहावत हो गई। हम आते हैं दूसरे सवाल पे, दाढ़ी में तिनका नहीं है, हम दूसरे सवाल पे फॉरवर्ड आदमी है। नहीं हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि सर ये पूरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, लोगों के आने जाने की सुगम व्यवस्था नहीं। अभी हम एक प्रधान जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ नाव की व्यवस्था किसी तरह से कंदराई प्रधान कई दिनों बाद हो पाई है, और कई सारे गांव ऐसे हैं जहाँ अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई। कई दिनों के बाद व्यवस्था हो पाई है, हुई है ना? नहीं और कई सारे गाँव ऐसे जहाँ नाव की व्यवस्था, हर गाँव में प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप हमसे हम इस समय क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10-5 नेता और अगल बगल होंगे तो बारी बारी उनसे पूछेंगे ना, जी एक ही साथ पूछेंगे। नहीं, सही है। उसी तरह से हम बारी बारी
हर गांव में सामान बंटवाएंगे। अभी आपने कहा कि आप जितने इलाके हैं उसमें से एक गांव जा पाए हैं, नहीं, तो आपकी व्यवस्था नहीं, हम बहुत से गांव में गए हैं। अच्छा। आज इस गांव में गए हैं जिसकी दूरी जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है, पानी में नाव से गए हैं, कल नाव से यात्रा की है। और बहुत आपके पास तो नाव थी, आप चली गई वहाँ पे, जो महिलाएं थी घुटने भर से उससे ज्यादा कमर तक पानी लेके सिर पे वो आपकी राहत पैकेट लेके जा रही है। उनके पास भी नाव नहीं है, हमारे पास भी नाव नहीं है। हम भी आए, नाव जा रही थी, हम भी कूद के बैठ गए। और ऐसा ना कहीं आपके लिए रोका गया होगा? नहीं नहीं, कहीं नहीं, नहीं नहीं, सब 2 घंटे बैठ के इंतजार किए विदाई 3 घंटा नाव के लिए। हम देखिए शौचालय मतलब मैं आपको बता रही हूँ मुझे शिकायत क्या मिली। एक महिला थी, उन्होंने बताया कि चारों तरफ से पानी है, शौचालय की बड़ी दिक्कत हो रही है, कहाँ जाएं, उनका सवाल मेरे से पूछा गया। तो आपको हमको बधाई देना चाहिए, डूब गया सब आप। नहीं नहीं, इतना शौचालय बनवा दिया गया है, इतना एक नई आई है, यही प्रशासन है। अरे अरे, पहले इनसे बात कर लेते, फिर आपसे भी बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, शौचालय वाली समस्या, आपको तो हम लोगों को बधाई देना चाहिए। जी, बधाई है पहले से, लेकिन इतना शौचालय जो डूब गए हैं, डूब नहीं गए, किनारों पे क्या शौचालय नहीं डूबे हैं, इतना शौचालय हमने बनवाया है जो विश्व का रिकॉर्ड है। सर, उस रिकॉर्ड को हम तोड़ने की और जोड़ने की बात नहीं कर रहे, हमारा सवाल ये कि बाढ़ ग्रस्त होने की वजह से जो गांव से बाहर आ गए हैं लोग, उनके लिए जो सड़कों के किनारे रहे, जो बंधों पे रह रहे हैं, उनको शौचालय की क्या व्यवस्था? जो प्रधानमंत्री का ये है कि कोई, अच्छा ये बताइए, बाढ़ आपदा होती है, हर आदमी टेम्परेरी नहीं, अभी एक रैली हो रहा है वहाँ पे मूवेबल बाथरूम शौचालय है। हाँ, तो यहाँ भी मोबाइल बाथरूम है, अब लोग घेर करके अपना बना लिए हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, सड़क किनारे शौचालय बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे सड़क के किनारे। 98 में बाढ़ आई थी, लोग बड़े बड़े करोड़पति से प्रधानमंत्री सोए थे, अटल जी थे शायद, ये मोदी जी नहीं थे, जो शौचालय की बात है।